देश भर में दिवाली का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलने वाले इस 5 दिन के त्योहार का इतिहास बहुत पुराना है। दिवाली का पर्व भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का हिंदू धर्म में न केवल महत्व है बल्कि पौराणिक इतिहास भी है। दिवाली के दिन न केवल श्री राम अयोध्या लौटे थे बल्कि इस दिन माँ दुर्गा ने काली का रूप लिया था। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दिवाली के दिन ही पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास से वापस लौटे थे। तो आइए जानते हैं दिवाली के इतिहास के बारे में। नंबर पहला, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन लोग घरों को सजाते हैं और मां लक्ष्मी का स्वागत कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी विष्णु विवाह भी हुआ था। नंबर दूसरा, रामायण से जुड़ी गाथाओं के अनुसार त्रेता युग में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर मिठाई बांटी थी। श्री राम की वापसी की खुशी में हर साल इस दिन दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाया जाता है। नंबर तीसरा, भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाने से नाराज इंद्र ने इतनी बारिश कर दी कि तबाही आ गई। तब श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की प्रथा आरंभ हुई। नंबर चौथा, माना जाता है दीपावली के दिन माँ दुर्गा ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। असुरों का विनाश करते करते वह देवों का नाश करने लगी। तब महादेव महाकाली के आगे लेट गए। क्रोध में वे जैसे ही शिवजी के सीने पर चढ़ी उनका क्रोध शांत हो गया। इसीलिए दीपावली पर काली पूजन भी किया जाता है। नंबर पांचवा, दैत्यों के राजा बलि दानवीर थे। उनके राज्य में दया, दान, अहिंसा, सत्य व्यापक था। ऐसे राज्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने राजा का द्वारपाल बनना स्वीकार किया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को उन्होंने राजा की धर्मनिष्ठा स्मृति को बनाए रखने के लिए 3 दिनों तक अहोरात्रि महोत्सव का निश्चय किया। यही महोत्सव दीप मालिका के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर छठवां, दिवाली से जुड़ा सूर्य उपासना का महापर्व छठ भी श्री राम से जुड़ा है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। नंबर सातवां, जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म में लोग इस दिन सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के उत्सव में दिवाली मनाते हैं। इस त्योहार को बौद्ध धर्म में अशोक विजयादशमी भी कहते हैं और मठों को सजाकर और प्रार्थना कर यह उत्सव मनाया जाता है। जनतंत्र टीवी आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।